एक लड़की की कहानी जो चाहती थी कि उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो लेकिन बेचारी आके एक झुग्गी में जाकर रहने लगी तो उसकी लाइफ में कैसे उसने इमेजिन किया कि जिंदगी बहुत सुंदर बहुत हसीन होने वाली है लेकिन एंड में जाकर उसकी लाइफ के साथ बेचारी का बहुत ही बुरा हाल हुआ उसकी पूरी स्टोरी कि कैसे वो उस लेवल तक पहुंची कैसे उसने बहुत चीजों को एंजॉय किया अपने लाइफ में लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत में जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये चैप्टर कैसे होगा तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे एक चैप्टर को एक लाइफ लेसन जैसे एक चैप्टर को जिसका नाम है द नेकलेस जिसके अंदर हम कहानी पढ़ने वाले हैं एक लेडी की जिसका नाम क्या है जिस जिसका नाम है बच्चों हमारे पास मटिल्डा मटिल्डा को फ्रेंच लैंग्वेज में मैडम लॉयजल भी बोला जाएगा और इनके हस्बैंड को मिस्टर लॉयजल भी मैं बोलूंगी ठीक है हमें हस्बैंड का नाम नहीं पता है हमें बस ये पता है कि उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयज़ल एंड शी मिसेस लॉयज़ल या उनका नाम था मटिल्डा अब स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है बच्चों की मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर सी लेडी हुआ करती थी वो उसकी एम्बिशन भी बहुत बड़े थे वो कुछ बहुत अच्छा करना चाहती थी वो एक अमीर खानदान में जाना चाहती थी वो चाहती थी कि उसके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम सारी मस्ती सब कुछ उसके पास हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे किस्मत में ऐसा कुछ लिखा नहीं था जिस खानदान में जिस फैमिली में वो पैदा हुई वो भी एक काफी मीडियम लेवल की फैमिली थी अब जिस आदमी से उसकी शादी होती है वो भी एक क्लर्क लेवल का आदमी था इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो जितना भी कुछ उसने अपनी जिंदगी इमेजिन किया वैसा कुछ भी नहीं हो पाया

और उसने जो पैसे अपनी सेविंग के लिए रखे थे वही पैसों को इस्तेमाल करके वो अपनी वाइफ को दे देता है है और बोलता है कि जाओ और अपने लिए एक ड्रेस खरीद कर ले आओ अब वाइफ जाती है अपने लिए ड्रेस खरीद कर लाती है कुछ चार सौ फ्रेंस की फिर दो दिन बाद फिर मुंह बनाकर बैठ जाती है तो हस्बैंड पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ तो फिर वो बताती है कि अपने पास ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है तो मैं नहीं जा रही तो उसके हस्बैंड ने बोला फ्लावर्स लगा लो अच्छी लगोगी उसने बोला नहीं 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 फ्लावर्स स्मेल आती है फ्लावर्स मैं नहीं लगाऊंगी तो उसने बोला कि तुम्हारा जो दो तुम्हारी जो दोस्त है मैडम कौन है बच्चों मैडम उन्होंने बोला कि जाओ उनसे जाकर ज्वेलरी ले आओ वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है वो तो तुम्हें ज्वेलरी उधार पर दे देंगी तो वो जाती है अपनी दोस्त से एक नेकलेस उधार लेकर आ जाती है पार्टी में जाती है बहुत सुंदर लगती है बहुत एंजॉय करती है और वो उसकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल और सबसे एंजॉयबल पार्टी थी लेकिन क्या होता है जब वो घर आती है और अपने आप को शीशे में निहार रही होती है देख रही होती है उतने में वो तो एक बार ही के लिए चल जाता लेकिन किसी और की अमानत उसके हाथ में थी अब वो चीज उससे खो गई अब वो क्या करे तो उसने क्या किया वो गई अपने पति के साथ ढूंढो जाओ ढूंढो नेकलेस ढूंढो नेकलेस नहीं मिलता हर जगह नेकलेस ढूंढा नेकलेस कहीं नहीं मिला फिर

हैवी हैवी बाल्टियां लेकर सीढ़ियों पर चढ़ना सीढ़ियों से आना छोटे छोटे पैसे बचाना हस्बैंड ने भी ऑफिस के काम के अलावा बाकी काम करना स्टार्ट कर दिया उसने भी क्लर्क की नौकरी के साथ साथ और क्या करना शुरू किया उसने फोटोकॉपी करना शुरू कर दिया उसने छोटे छोटे लोगों के काम करना शुरू कर दिया कि जैसे तैसे करके पैसे चुका दिए जाए दस साल इसी तरीके की जिंदगी वो जीते हैं दस साल के बाद उनका सारा का सारा लोन जो है बच्चों वो उतर जाता है लेकिन उस लोन के उतरने के साथ साथ अभी एंड में कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त एक ट्विस्ट आता है वो ट्विस्ट क्या आता है और वो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा मॉरल कैसे देता है वही बच्चों हम हम लोग आगे इस क्लास में करने वाले हैं तो आइए बच्चों पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे हम समरी देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो भी हम देखते रहे देखते आए हैं तो आज के चैप्टर का नाम है बच्चों दी नेकलेस एक सुंदर सी माला जिसने बेचारी की जिंदगी के माले को बिल्कुल डाउन पे लाके कर दिया अब वो कैसे हुआ मैडम लॉय एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला है उन्हें लगता है कि जीवन में सभी व्यंजनों और का आनंद लेने के लिए वह पैदा हुई है वो कि में जो के और ब्यूटी और वो सब उसको एंजॉय करने के लिए ही पैदा हुई है दुर्भाग्य से वे अपने समृद्ध सपनों के वाहन करने के लिए बहुत गरीब है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी गरीब है कि उनके ये सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते इसलिए वे अपने भाग्य पर विलाप करते हुए लगातार पीड़ित होती हैं इसलिए वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते कोसते रोती रहती है कि मेरी किस्मत ऐसी मेरी किस्मत वैसी मेरी दोस्त की ऐसी मैं यहाँ रह गई मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं शिक्षा बोर्ड ने एक क्लर्क लॉयजल से विवाहित मटिल्डा ने अपनी विनम्र वास्तविकता की तुलना संपन्नता और और विलासता के जीवन जीने में अपने सपने के साथ करके अपने जीवन की और अधिक दयनीय बना दिया था अब उसने क्या किया क्योंकि उसकी शादी एक शिक्षा बोर्ड के क्लर्क से हुई थी और उसके साथ भी वो बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी जीती थी नॉर्मल का खाना नॉर्मल जीना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उसकी जिंदगी में भी नहीं था लेकिन अपनी चीजों के बारे में सोच सोच कर अपनी जीवन शैली के बारे में सोच सोच कर कि यार काश मेरे पास ये विलासता होती काश मेरे पास लग्जरी होती काश मेरे पास ये होता काश मेरे पास वो होता उसने अपनी जिंदगी को और ज्यादा दयनीय और और ज्यादा दुखी बना लिया था वह सुंदर पोशाकों के साथ खुद को सवारने का सपना देखती थी लेकिन वास्तव में उसके पास ना तो फ्रॉक और ना ही गहने कुछ भी नहीं था वो मन में तो आता था, था कि यार काश मैं अपने आप को फ्रॉक से सवारू काश मैं सुंदर लगू पंची बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हो पाता था क्योंकि ना तो बच्चों उसके पास फ्रॉक थी और ना ही थे उसके पास गहने ठीक है और इसीलिए वो बस अपने आप को कोसती रहती थी बुरा फील करती रहती थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरी जिंदगी ही ऐसी क्यों और इन्हीं चीजों की वजह से वो बहुत दुखी रहती थी उसका पति उसकी परवाह करता है और उसका सामान्य जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों को प्रा... के आशीर्वादों को प्राप्त करके उससे खुश करने की कोशिश करता है अब उसका हस्बैंड काफी अच्छे किस्म का आदमी था तो वो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से उनके छोटी छोटी ब्लैसिंग से खुश हो जाता था एक दिन वह उसके लोक निर्देश मंत्री ने एक पार्टी के लिए उसे निमंत्रण दिया लेकिन इस आमंत्रण को पाकर मिटेलडा और भी दुखी महसूस करने लगती है वो निमंत्रण जब उनके घर आता है तो मिटेलडा और ज्यादा दुखी हो जाती है उस निमंत्रण को देखकर तो बच्चों आगे क्या होता है अब वो अब, अब उसका हस्बैंड हर चीज में खुश रहता था एक दिन वह निर्देश मंत्री के के पार्टी के लिए निमंत्रण लेकर आता है लेकिन इस आमंत्रण को पाकर मटिल्डा और भी दुखी महसूस करने लगती है ऐसा मटिल्डा के साथ क्यों होता है वो और दुखी क्यों होती है वो और दुखी इसीलिए हो जाती है कि यार मेरे पास तो ना कपड़े हैं ना ज्वेलरी इस फंक्शन में मेरे जाने का तो कोई सीन बन ही नहीं सकता मैं नाराज हो तो जाता है क्योंकि उसे अपना कोई भी पोशाक हो जाती है क्योंकि वैसे अपनी कोई भी पोशाक इस भव्य अवसर के लिए उपयुक्त तो नहीं लगती क्योंकि तो उसको लगता है कि इस अवसर के लिए उसके पास कपड़े नहीं है

तो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं मटिल्डा ने उसके हस्बैंड ने उसको पैसे दे दिए कि जाओ और अपने लिए ड्रेस खरीद लो पॉल मार्टी को कुछ दिन पहले लॉयजर ने नोटिस किया कि मटिल्डा की उपस्थिति की जो उपस्थिति है फिर से उदास है फिर वो उसको जाकर कारण पूछता है और इस बार वो उसे बताती है कि उसके पास गाउन किसी मेल खाने के लिए कोई गहने नहीं है

मटिल्डा अंत में हीरो का एक शानदार सहार उठाती है और बोलती है क्या मैं इसको ले जाऊं तो हीरो का आज सदी अपने नई पोशाक पहने एक सुंदर शालीन मुस्कुराती और हर्षित मेटिल्डा गेंद नहीं यहाँ पर गेंद नहीं होगा यहाँ पर वो बॉल तक पहुंच जाती है उसके चार खूबसूरती उसकी पार्टी में सभी का ध्यान उसकी ओर खींच लेते वो सबसे सुंदर पार्टी में लग रही थी पर उनके पति छोटे सैलून में एक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो जब उसकी वाइफ वहां आराम से मजे कर रही है और उसके हस्बैंड वहां दूर जाकर आराम से बैठा हुआ है पति सुबह चार बजे घर के लिए निकलते हैं तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह चार बजे उस पार्टी से निकलते हैं उन्हें घर जाने के लिए गाड़ी खोजने में कठिनाई होती है जब तक वे घर पहुंचते हैं तब तक वे सुंदर तो लग रही थी और फिर जब देखा तो पता लगा कि नेकलेस तो गले पे है ही नहीं एक निराश हुए टुकड़े के लिए चारों ओर देखता है लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला अंत को सलाह दी कि सहेली को एक पत्र लिखे जिसमें उसे मैं बताती है कि हार का जो बंधन था उसका टूट गया है और इसकी मरम्मत करवाना जरूरी है। की भरपाई के लिए समय लेना चाहता था कि एटलीस्ट उनको थोड़ा सा समय मिले कि भैया वो अपना काम कर सके पैलेस रॉयल में वे कोई भी वे टुकड़े की प्राकृतिक पाते हैं कि मतलब हमें बिल्कुल सेम नेकलेस उनको मिलता है जिसकी कीमत चालीस हजार है

मर्डिना के रूप में वर्षों की कड़ी मेहनत झलकती है उसके चेहरे पर दिख रहा है कि कितनी मेहनत उसने ज़िंदगी भर करी है मैडम बर्डिना उसे पहचानने मुश्किल लगता है और वह इस तरह कठोर बदलाव के पीछे उसका कारण पूछती है वो उससे पूछती है कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया आप इतना कैसे

नहीं था उसके अलावा उसकी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं थी यानी पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर किसका पोपट हुआ पोपट हुआ हमारी हुआ मटिल्डा का पागल बना मटिल्डा का इतनी मेहनत करी इतना पैसा कमाया इतना उड़ा दिया पैसा सिर्फ किस लिए अपना कर्ज चुका पाए और पैसा गया कहां सारा का सारा वो गया लोगों की जेब में और नेकलेस असली में कितने का था सिर्फ पांच सौ फ्रैंक का इतना पैसा सबका सब बर्बाद हो गया तो आइए मुझे देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन

मैडम वॉयसेल को पता लगता है कि वो नो सच नेकलेस वाज देयर एंड थॉट दिस सिनेरियो कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ मैडम हैड जस्ट टोल्ड हर अबाउट द मिस्टेक सोनर और उन्हें कब पता लगता है कि वहां पर जो नेकलेस उन्होंने दिया वो एक रियल नेकलेस था और उन्हें बुरा लगता है कि काश मैडम डेटा ने उस समय सच बता दिया होता तो ये 10 साल की मेहनत उनकी बच जाती अब कहते हैं मैडम वॉयसेल मैडम वॉयसेल वाज इंटॉक्सिकेटेड विद द प्लेजर ऑफ द बॉल वहां पर वो कुछ नशे में एकदम चूर थी ऐसे रीजंस बताओ

From made and learned, the odious work of kitchen. अपनी काम वाली को छुड़वा दिया पकड़ का पकड़ तो के पानी को लेकर आना ये सब उन्होंने वहां पर किया तो यानी तरफ से हम देख सकते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर बच्चों जो हार्डशिप थी हार्डशिप्स इंक्रीज यानी उनकी जिंदगी के जो मुसीबतें थी वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ गई फिर चेंज लॉजिंग उन्होंने अपना घर बदल लिया और किसी छोटे से रूम में रहने लगे जो एक घर के एटिक में हुआ करता था अब वो बड़ी ओल्ड से दिखने लगी और ओल्ड के साथ साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वेमेन भी हो गई थी उनके बाल जो थे वो बड़े गंदे गंदे से ड्रेस थे

तो उन्होंने वो कैसे इकट्ठे करे बच्चों उनके पास एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स थे क्योंकि उनके फादर उन्हें विरासत में दे गए थे बाकी के लिए उन्होंने लोगों से पैसा गौरव किया उन्होंने यूजर और फिर उधारदाताओं से पैसा लिया उन्होंने बड़े झूठे वादे किए कि भैया हम दे देंगे वापस दे देंगे आपको दे देंगे करके करते उन्होंने लोगों से पैसा ले लिया उन्होंने अपना घर चेंज किया मैडम लॉयजल ने उन्हें सारा काम करना पड़ा वो सारी डिफिकल्ट वर्क करना पड़ा डिफिकल्ट उन्हें वो सारे मेहनत वाले काम करने पड़े वो सारा डिफिकल्ट काम करना पड़ा जैसे वॉशिंग ग्रोसरी शॉपिंग पानी लेकर आना ये उनकी जिंदगी बड़ी ही ज्यादा कठोर और खराब हो गई थी हस्बैंड मिस्टर kind of इस स्टोरी के रेफरेंस बताओ तो भैया मिस्टर बहुत ही अच्छे पति थे बिकॉज अपने चार सौ फ्रेंड्स अपनी बीवी को देना अपनी बीवी की गलती की वजह से उसको बिना डांटे उससे सब पूरी जिंदगी बिताना उसकी मदद करना उन्होंने ये सब किया था तो मिस्टर बहुत पुअर क्लब वो बड़े सिंपल साधारण से आदमी थे वो करी कि यार जितना वो अपनी ताकि वो एक न्यू पार्टी ड्रेस खरीद सके ये दिखाता है कि वो बहुत ही लविंग हस्बैंड था उसी के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो बच्चों को पूरी स्टोरी के अंदर उन्होंने अपनी वाइफ के चक्कर में इतना झेला इतना काम करना पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बोला

हो जाती है

वो इंजॉयिंग विल वेरियस मेन तो ये हमें मित्रल्डा के बारे में भी दिखाता था व्हाट किंड ऑफ अ लेडी शी वाज हाउ डी मैडम लॉयल मीट द डिमांड ऑफ़ सूटेबल कॉस्ट्यूम उसके हस्बैंड ने अपनी बाइट की सूटेबल कॉस्ट्यूम की डिमांड को बच्चों कैसे सही किया जो मित्रल्डा थी उसने बॉल में जान मैं नहीं पहनूंगी मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी मैं नहीं जाऊंगी अगर तुम्हें मेरे को वही ड्रेस पहनानी है तो उसकी तो तो पूछा बताओ कि ड्रेस कितने की कॉस्ट करती है बताया कि वो ड्रेसौस की आएगी मिस्टर लॉयजल टर्न फेल और मान लो उनके चेहरे के तो रंग उड़ गए क्योंकि उतना ही पैसा उन्होंने अभी तक बचा कर रखा था अपने शॉपिंग के लिए

उसने हमेशा कोशिश करिए अपनी वाइफ को अच्छा रखने में उसे खुश मिजाज रखने में ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो मिटेलडा की उसको अच्छी रखती होंगी लॉयजल जो था वो हमेशा अपनी वाइफ को गुड ह्यूमर में यानी खुश मिजाज मूड में रखना चाहता था मिस्टर लॉयजल

यानी उसे अपने पति से शादी एक सिर्फ समझौता लगती थी खुशी से उसने वो शादी नहीं करी थी मटिल्डा ब्यूटी एंड स्टाइल इंप्रेस्ड लॉयजर जो उसका पति था वो अपनी बीवी की सुंदरता के पीछे पागल था ही ट्राई बेस्ट टू की पर हैप्पी उसने पूरी कोशिश करी कि अपनी वाइफ को खुश रखे शी वॉज फॉन्ड ऑफ पार्टीज उसकी वाइफ को पार्टीज के पार्टीज में जाना बहुत ही अच्छा लगता था तो पे जाना अच्छा लगता था तो उसके हस्बैंड को भी लगा कि हाँ यार मेरी बीवी को पार्टी में जाना अच्छा लगेगा तो वो उसके लिए पार्टी का एक इनविटेशन लेकर आ गया ही वॉज हैप्पी फॉर इज वाइफ के चलो उसको पार्टिया में जाना अच्छा लगता है अब इस बार वो पार्टी में जा पाएगी जब वो उसको और वो जब उसके मना करती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी मुझे न्यू ड्रेस ला के दो तो वो इवन अपने पैसे छोड़कर अपनी वाइफ को एक नई ड्रेस लाकर मुझे देता है इवन फ्रॉम दैट पैसे जो उसने अपने लिए बचाए थे वो उसे

फॉर एसर जिसके लिए अपनी जिंदगी के इतने साल खराब करे हैं वो नेकलेस तो एक नकली नेकलेस हुआ करता था यानी हमें यह पता लगता है कि किसी की भी वैनिटी किसी का भी घमंड अच्छा नहीं होता भले वो रावण ही क्यों ना मगर अगर हम ऐसी सिचुएशन में होते मैं अपने फ्रेंड को सच बता देती मैं उसे बता देती कि मैं बहुत सॉरी हूँ तुम्हारा नेकलेस खो गया है एंड आई यू कि मैं तुम्हें वो नेकलेस रिप्लेस करके दे दूंगी मैं छुपाती नहीं मेरे से खो गया मैं बता देती तो शायद उसके बाद उसको सच वाला नेकलेस दे देती तो शायद इतनी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आती ही नहीं लेकिन मडिडा ने नहीं किया उसने छुपा ली बात और भाई उसने गलती कर दी जो है उसमें खुश रहना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट टाइम के बाद आकर आपको और आपकी जिंदगी को चूर कर देता है ठीक है बच्चो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा बेस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को बिकॉज आप लोगों के प्री बोर्ड बहुत चलिए और बोर्ड बहुत पास है तो प्लीज कीप स्टडिंग डू वेल अच्छे से पढ़ाई करो आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन ग्रेटली वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास टूरेंट्स ऑफ द न्यू चैप्टर तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो और इस तरीके से आगे बढ़ते रहो